लिप्टन ने किया निलंबित, लेकिन कर्मचारी फिर भी उचित मूल्य की दुकान पर कर रहा अनाज वितरण। पार्टी उचित मूल्य दुकान पर प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना प्रचार प्रसार अभियान के जिलाध्यक्ष संजय कुमावत जब पहुंचे तो वहां हितग्राहियों से पूछा कि आप लोगों को कितना राशन मिलता है। हितग्राहियों ने द्वारा बताया गया कि हम लोगों को हमारी राशन की पर्ची के अनुसार राशन मिलता है, लेकिन प्रधानमंत्री के द्वारा जो अनाज दिया जा रहा है, इस योजना का लाभ हम लोगों को नहीं मिल पा रहा। पार्टी आदिवासी बाहुल क्षेत्र है। इन लोगों ने बताया कि हम लोग पढ़े लिखे नहीं है, राशन कार्ड पर क्या लिखा जाता है ये भी हमें नहीं पता रहता, लेकिन यहाँ के जाकिर खान जो कि उचित मूल्य दुकान के सेल्समैन हैं, उनके द्वारा राशन कार्ड पर पूरा अनाज लिख दिया जाता है। वास्तव में हम लोगों को वह अनाज नहीं दिया जाता है। वहीं प्रधानमंत्री के द्वारा जो अनाज हम जैसे गरीबों के लिए कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को देखते हुए दिया जा रहा है, वह हम लोगों को यहाँ के सेल्समैन के द्वारा नहीं दिया जाता। सिर्फ हम लोगों को 1 रुपये किलो में जो अनाज प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के द्वारा दिया जा रहा है, वही अनाज हम लोगों को मिल पाता है। जब हम इस बारे में सेल्समैन जाकिर खान से पूछते हैं तो हमको 2 टुक जवाब मिल जाता है कि जो मिल रहा है वह ले लो, नहीं तो ये भी नहीं मिलेगा, इसलिए हम भी चुप रहकर जो मिलता है उसे लेकर चले जाते हैं। वहीं प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को लेकर चिंतित हैं और गरीब की योजनाएं चलाई जा रही हैं। वहीं निचले स्तर पर प्रशासनिक कर्मचारी इन योजनाओं का पलीता लगाने में जुटे हुए हैं। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए बड़वानी से सुरेंद्र वर्मा की खास रिपोर्ट। मैं अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान समिति का जिला अध्यक्ष हूँ बड़वानी से। सर आज आप यहाँ सोसाइटी में आए हैं, किस लिए आए हैं? हाँ, आज हमारा क्या इधर पार्टी विकास खंड के अंतर्गत प्रवास का कार्यक्रम था, तो इधर पार्टी से निकले तो सोचा कि चलो यहाँ की दुकान खुली है तो कम से कम निरीक्षण करते चलो। जी सर, क्या देखा आपने, क्या व्यवस्था है और कैसी? यहाँ पर देखा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है, आज जो जैसे लॉकडाउन के अंतर्गत जो फ्री का राशन जो मिल रहा है और जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो राशन मिल रहा है, लेकिन कहीं पैसे हितग्राही हैं कि जिनको राशन मिल नहीं रहा है। सबसे बड़ी विपदा ये है कि राशन हितग्राहियों के राशन कार्ड पे तो चढ़ाया जा रहा है लेकिन उनको दिया नहीं जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि यह क्या है कि आदिवासी बाहुल्य इलाका है, अधिकतर यहाँ के हितग्राही किसान भाई क्या है, अनपढ़ है। तो यहाँ के जो दुकान संचालक है, इनका अनपढ़ होने का फायदा उठाते हुए इनको कार्ड पे तो क्या है कि राशन चढ़ा दिया जाता है लेकिन उनको मिल नहीं पाता है। अभी ऐसी ही स्थिति हमने कम से कम 5-6 हितग्राहियों से देखी और उन्होंने अपनी पीड़ा सुनाई है। तो कहीं ना कहीं क्या है, क्या दाल वगैरह ये सभी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? नहीं, किसी ने ऐसी कोई शिकायत? सारे हितग्राहियों ने बताया कि हमें अभी तक दाल भी नहीं मिली, चना साबुत मिल रहा है लेकिन दाल नहीं मिली है। तो जबकि सबसे पहले प्रधानमंत्री जी द्वारा 3 महीने की दाल बंटवाई गई थी, लेकिन यहाँ पर आज तक कहीं ऐसे किसान है कि मान लो मजदूर वर्ग है, उनको दाल नहीं मिली। ठीक है, कहाँ रहते हैं आप? हेरवाड़ा। यहाँ अभी सोसाइटी में आपको कितना अनाज मिलता है? 25 किलो। कितने महीने से मिल रहा है आपको 25 किलो? सब पूरा मतलब अप्रैल से अभी तक आपको 25 किलो अनाज मिल रहा है हर महीने? ठीक है। सूर सिंह, कहाँ रहते हैं आप? बुद्धि रहते हैं। बुद्धि रहता है। यहाँ अभी सोसाइटी में आप आए हो? हाँ। क्या समस्या है आपको? 30 किलो गेहूँ मिलता है हमेशा। हमेशा 30 किलो? 5-6 महीने से जो मिल रहा है वो भी 30 किलो? 30 किलो से ज्यादा नहीं मिला? कहीं नहीं ज्यादा मिलता। तो क्यों नहीं मिलता? आपके कूपन पे तो चढ़ा हुआ है। वो चढ़ा देते यार, वकना हमको घाटा डूब गए, काम को काई पता है यार। अच्छा, चढ़ा देते, आपको कोई पता नहीं रहता? हमारा पोता नहीं होता है कि हमको कैसा कैसे क्या हूँ। ठीक है, ऐसी बात नहीं है, दिया है सर। पर यहाँ के लोगों का कहना ये है कि हम लोग अनपढ़ हैं, इस वजह से हम लोगों को राशन नहीं दिया गया। गलत तेरा माल दिया है सर। बहुत सी जगह पर्ची पे देखा है हमने कि कहीं 30 किलो चढ़ा हुआ है लेकिन उसको पिछले 1 साल या 1.5 साल से 5 किलो अनाज मिल रहा है। किलो मशीन बता रही थी सर, तो सर वर्तमान में अगर चेक किया गया है तो मशीन भी 25 किलो बता रही है। अभी बता, अभी डाला होगा सर इस बार, तो 25 किलो बता रही है। से करवाया होगा और अपलोड किया होगा तो डाला होगा सर। सर क्या कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो पीएम ने फ्री अनाज देने की घोषणा की है वो अनाज कहीं ना कहीं गरीबों तक नहीं पहुंच पा रहा है? मिल रहा सर, देखे ना ये लिखा है सर, कार्ड पे तो चढ़ा हुआ है। गरीबों का कहना ये है या यहाँ के लोगों का कहना है कि हम लोग अनपढ़ है, हम लोगों को पता नहीं? पीएम लिखा हुआ है, देखिए आप इसमें सर।
हाँ कार्ड पे तो सर चढ़ा हुआ है, कार्ड की तो बात कर रहा हूँ। झूठ बोल रहे हैं। अच्छा सभी झूठ बोल रहे हैं, एक अकेले आप? एक दो बाकी दूसरा तो बोल रहे हैं, मिला कह रहे हैं सर वो। ठीक है, किस पद पे पदस्थ हैं सर? सर पार्टी के अंतर्गत प्रॉपर पार्टी उचित मूल्य की दुकान के ऊपर कुछ लोगों का कहना ये है कि हम लोगों के राशन कार्ड पे जो चढ़ाया जाता है वो राशन हम लोगों को नहीं मिल पाता है, उससे कम मिलता है। चूँकि मुख्यमंत्री के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा अनाज दिया जा रहा है तो हम लोगों को मुख्यमंत्री वाला मिलता है, लेकिन प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार के द्वारा जो दिया जा रहा है वो नहीं मिलता है। क्या कहेंगे सर? ऐसी कोई अभी तक हमारे पास तो शिकायत नहीं आई है। पहले जो आधार सीडिंग के संबंध में हमने अभी सबके आदेश जारी करे थे उसमें पार्टी दुकान का या आधार सीडिंग का प्रगति अच्छी नहीं थी, तो इसलिए हमने वो सेल्समैन को तत्काल उस समय हटा भी दिया था। इसी वजह से अगर ऐसी कोई शिकायत है तो हम जाँच करवा लेते सर। चूँकि अगर निलंबित किया गया है वो व्यक्ति ही अनाज आज वितरण किया जा रहा है, तो क्या कलेक्टर साहब के निर्देश का पालन नहीं हो रहा या अवहेलना हो रही है किसी प्रकार? ऐसी हमारे पास तो अभी तक कोई जानकारी नहीं थी, आप बता रहे हो तो ये दोनों चीज़ें की जांच करवा लेते हैं ना। सर एक व्यक्ति है वहाँ पर जी, उस व्यक्ति के यहाँ 1.5 साल से 5 किलो अनाज दिया जा रहा है, लेकिन जो उसकी स्लिप है वो 30 किलो की है, लेकिन उसे 5 किलो ही दिया जा रहा है। तो वर्तमान स्थिति में जब मशीन में चेक किया गया है तो 25 किलो अनाज उसको देना पाया गया है जी, जी। लेकिन उसको 5 किलो ही दिया जा रहा है, 1.5 साल हो गए हैं। ये सब जाँच के विषय है, अभी फिलहाल तो मैं यही बता सकता हूँ कि जैसे आप अभी जो बता रहे हैं हम वहाँ के इंस्पेक्टर साहब से जांच करवाते हैं, अगर अनियमितता मिलेगी तो कलेक्टर साहब के भी मनसा है कि कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, तो कार्रवाई की जाएगी। ठीक है सर।